हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस न्यू ईयर. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. लेट्स जस्ट वेट फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन क्विकली अस इन दिस आर फ्राइडे विद फोरम. एंड हम हर फ्राइडे ये लाइव टॉक शो करते हैं जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके काफ़ी सारी नई बातें करते हैं. एंड व्हाट आर द न्यू अपडेट्स, व्हाट आर द न्यू फीचर्स. और मे बी अगर आपके अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके, दिस इज द टाइम, दिस इज द लाइव क्यू एन ए क्वेश्चन आंसर राउंड जहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो. सो इट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस, इट इज ऑल अबाउट यू. आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हो सोशल मीडिया, ऑनलाइन एड्स, डिजिटल मार्केटिंग को लेके आप मुझसे पूछ सकते हो. आई एम बाउंड टू आंसर यू. दिस इज माई कमिटमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ये मेरी ओर से आप लोगों के लिए एक कमिटमेंट है कि जहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ. नाउ दिस कमिटमेंट, हमने लास्ट वीक में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. हमने लास्ट वीक हमारी हाफ सेंचुरी यानी कि 50 एपिसोड्स की हमारी हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट की थी सबके साथ. एंड इवन द न्यू ईयर वी सेलिब्रेटेड. तो ये 50 हफ्तों से चलने वाला मेरा एक कमिटमेंट है आप सभी लोगों के लिए. सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनी इन्फॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स को लेके, SEO, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी अबाउट इट. आप मुझे वीडियो के फॉर्मेट में भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो. देखिए जैसे कि गगन मुझे अभी वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो Instagram में बहुत अच्छा फीचर है नीचे वीडियो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग का, आप मुझे वो भी सेंड कर सकते हो. बट कंसिडरिंग के आप क्या टॉपिक पे बात करने वाले हो, अगर आप मुझे वो बताओगे तभी मैं आपको लाइव मेरे साथ एक्सेप्ट कर पाऊंगी आपकी रिक्वेस्ट. में मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड यू कैन टॉक टू मी एंड आई वुड लव टू आंसर. यस, इन बिटवीन हर्ष इज विशिंग मी हैप्पी बर्थडे. सो थैंक यू सो मच हर्ष फॉर विशिंग मी. आई मीन दैट रियली मीन्स अ लॉट. सो थैंक यू सो मच गाइज. इन फैक्ट थैंक यू फॉर एवरी वन जिन्होंने बर्थडे के दिन स्पेशली मेरे लिए काफी विशेज एंड प्रेयर्स किए हैं. आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड आई फील रियली प्रिविलेज्ड कि मैं इतने सारे लोग मेरे लिए विशेस कर रहे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. काफी सारे लोगों ने स्पेशली कॉल्स किए थे, काफी सारे लोगों ने स्टोरीज में अपलोड किया है एंड काफी सारे तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, अपनी विशेज को एक्सप्रेस किया है. मुझे बहुत अच्छा लगा. के ऊपर स्टिक रहता है. फ्राइडे विद फोरम का हमारा हर फ्राइडे ये लाइव टॉक शो का हमारा मेन क्रक्स ही वही है कि हम टॉपिक के ऊपर स्टिक रहे. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड काफी डिस्कशन करते हैं, आप मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो कि जिसमें मैं आपको टिप्स देती हूँ सोशल मीडिया, लिंक्डइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, आपको जिस टॉपिक पे बात करनी है, जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस है, तो मुझे अच्छा काफी लगता है कि मैं आपको उस पर हेल्प कर पा रही हूँ. सो हमें क्वेश्चन पूछा गया है भानुशाली हर्ष. ओके, तो हर्ष जानना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टॉक मोर व्हाट अबाउट न्यू अपडेट इन मेटा. ऑलराइट, सो ये मैंने ऑलरेडी जब मेटा का अपडेट आया था तब मैंने बात की थी. एंड जनक जी ने भी मुझे क्वेश्चन पूछा है, रावल हरीश ने भी क्वेश्चन पूछा है. आई डेफिनेटली टेक ऑल द क्वेश्चन गाइज, जस्ट स्टे होल्ड, स्टे ट्यून्ड. आई मीन ऑलराइट, सो मेटा के बारे में हम ऑलरेडी आगे बात कर चुके हैं. मेटा जो अपडेट आया है दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग. बहुत ही इजीली मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की ओर से बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन रहा है दैट मेटा जो उनकी पेरेंट कंपनी है, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, उसका सिर्फ नाम चेंज हुआ है एज ऑफ नाउ. कोई भी सोशल मीडिया को लेके या कोई भी प्लेटफॉर्म को लेके और कोई भी अपडेट्स उसमें नहीं है. ओके, दिस इज जस्ट अ नेम चेंज.
रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग के इंटरव्यू में मैंने ये सुना भी था कि ये नेम चेंज का उनका जो डिसीजन है दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग एंड द वे ब्रांड वॉन्ट्स टू पोजिशन देम सेल्व उसकी वजह से है. फेसबुक एक सोशल मीडिया ऐप है बट जो फेसबुक कंपनी जो मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज है जैसे कि जो अभी रीनेम होके मेटा हो चुकी है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर में काफी सारी चीजें हैं जैसे कि मैसेंजर का ऑप्शन है व्हाट्सएप का ऑप्शन है उसके अंडर में इंस्टाग्राम है फेसबुक है ऑफकोर्स सो दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर वन रूफ. सो एज अ ब्रांड दे डोंट वॉन्ट टू स्टिक देम यू नो स्टिक टू द सोशल मीडिया मतलब उनको सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया के तौर पर नहीं रिकॉग्नाइज होना है. दे हैव अ बिग विजन ऑफ नोइंग देम सेल्फ फॉर सोशल कनेक्टिविटी थ्रू ऑल द मीडियम्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दे आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट विद द न्यू इनोवेशंस न्यू रिसर्चेस. सो जस्ट टू हैव अ मोर क्लैरिटी जस्ट टू हैव अ मोर यू नो सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द ब्रांड नेम जो ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेन नेम है कंपनी का नेम एंड डिफरेंट डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स या प्लेटफॉर्म्स तो अगर उसके बीच में क्लैरिटी रहे उसके लिए उन्होंने ये मेटा करके यू नो दे हैव रीनेम्ड देयर कंपनी नेम दे हैव रीब्रांडेड देमसेल्व्स एंड दैट्स द स्ट्रिक्टली बिजनेस मूव. सो आई होप हर्ष यू हैव गॉट योर आंसर एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जनक जी के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं. इंस्टाग्राम में मारो पेज छे ओके दैट्स गाइज दिस क्वेश्चन इज इन गुजराती ओके सो आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू डोंट वरी एट ऑल. सो लेट मी रीड इट आउट फर्स्ट. इंस्टाग्राम में मारो पेज छे एने कोई पन फॉलो करी शके छे बट पहला रिक्वेस्ट सेंड करे फॉलो करवा माटे एना माटे शू करवानो. ओके सो जनक जी इंस्टाग्राम के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक दो तरह के अकाउंट होते हैं. आपने बिजनेस अकाउंट बनाया है इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक अकाउंट होता है. अगर आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस डालना चाहते हो यू हैव टू मेक इट प्राइवेट अकाउंट आपको उसे प्राइवेट अकाउंट बनाना पड़ेगा या तो फिर आप उसको क्रिएटर अकाउंट बना सकते हो जिसमें आप ये सेटिंग कर सकते हो. सो बट आई थिंक इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ बिजनेस प्रमोशन दिस इज द करेक्ट थिंग. आई थिंक लेट एवरीबडी सेंड द रिक्वेस्ट एंड लेट एवरीबडी यू नो फॉलो यू वाई यू वॉन्ट टू बी वेरी सिलेक्टिव. एंड जहां तक मैं जानती हूँ जनक जी का जो बिजनेस है वो नमकीन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है एंड ही मेक्स रियली गुड डेलिशियस नाश्ते गुजराती नाश्ते जिसे हम कहते हैं. तो आई वुड थिंक के सारे ही ऑडियंस आपके लिए करेक्ट ऑडियंस है. वाई डू यू वॉन्ट टू चूज सो That's the thing for you. Harish Rawal, next move करते हैं guys quickly. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोग quickly questions पूछ रहे हैं. And Friday with Forum में जब लोग digital marketing को लेके मुझसे question पूछते हैं ना मुझे काफी अच्छा लगता है. So keep asking relevant questions. शायद आपका जो question है वो किसी और का भी हो सकता है guys. And आपके question की वजह से किसी और को भी help मिल सकती है. Alright? So moving ahead, how to put on hold Instagram for some time? Harish, you can just turn it off your notifications. First, second, maybe आप access करना बंद कर दीजिए. Third, इससे भी ज्यादा करना चाहते हो आप अपना अगर public account है तो उसे private कर दीजिए. I would not recommend to go for deletion of the account क्योंकि जब कल जाके आपको अगर revive करने की इच्छा होगी तो then there is no possibility. So I would not recommend that. So these are the three things what you can do. Okay. Pink's concept. Please give next session details of course. Pink's, I would love to do this. I would love guys. So 1st December se hamara 1 month ka complete digital marketing course online shuru ho raha hai. And jisme aap sabhi log mujhse jur sakte ho. It is going to be 100% practical workshop. जहाँ पे हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे. सो देर आर गोइंग टू बी 8 मॉड्यूल्स इन दैट. बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग फनल मेकिंग से लेके हम शुरू करेंगे एंड फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड वहां से हम शुरू करेंगे. सेकेंड इट वुड बी कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे. गूगल लोकल SEO यानी कि गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम कहते हैं दैट इज गोइंग टू बी 3rd. 4th दैट इज गोइंग टू बी अबाउट
द SEO, हम ब्लॉग्स SEO, कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं. फिफ्थ हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे, एस्थेटिक्स क्या होते हैं, कैनवा के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे आप डिजाइन खुद बना सकते हो, कैसे आप कीवर्ड्स खुद फाइंड कर सकते हो, कैसे आप खुद SEO अपना चेक कर सकते हो, टूल्स कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें 100% प्रैक्टिकल होगी. सिक्स्थ हम फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, कंप्लीटली ऑर्गेनिक मार्केटिंग. सेवन्थ हम इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, हैशटैग्स क्या होते हैं, रील्स क्या होती है, यू नो टैगिंग करना किसे कहते हैं, स्टोरीज क्या है, ब्लॉग्स, गाइड एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रो लेवल, यानी कि एकदम एडवांस लेवल की चीज जो हम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द ऑनलाइन एड्स. So we are going to explore together like a Facebook and Instagram ads. हम वहां से शुरू करेंगे और उसमें मैं आपको एक्सपर्ट लेवल तक का नॉलेज देने वाली हूँ. That goes like in very much in detail. तो ये सारी चीजें बहुत सारे डिटेल में हम करते हैं. So everybody who is interested, do register, enroll right now. DM me for more details. I would love to share more details. Okay? And yes, of course, this video is going to be there on my IGTV and YouTube. So, अगर आप बाद में भी इस information को revive करना चाहते हो या फिर वापस सुनना चाहते हो, you can just repeat the video. And thank you so much, Pinks, for asking this question. बहुत अच्छा लगा. मैं आपकी वजह से मेरे course की details सबके साथ share कर पाई, to be honest. And lot of people were waiting for it. Lot of people wanted to know about it. तो उनको भी आपकी वजह से information मिल गई. All right, so next, hi everyone. Okay, a lot of people have commented. I'm just scrolling down. All right, so Pinks again. ठीक है, प्रवीण सिंह ऑफिशियल. अच्छा ठीक है प्रवीण, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. बट लेट्स टॉक अबाउट पिंक्स के क्वेश्चन के बारे में कि ऑफलाइन डिटेल्स चाहिए, यानी कि पिंक्स ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो उनको मेरे ऑफलाइन कोर्स की डिटेल्स चाहिए. सो फॉर दैट गाइज, जस्ट गिव मी फ्यू मोर डेज. हमारे वेन्यूज बुक हो रहे हैं, जैसे ही वेन्यूज बुक हो जाएंगे आई डेफिनेटली शेयर द डिटेल्स. टेंटेटिवली अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में सेकेंड या थर्ड वीक में हमारे डिजिटल मार्केटिंग के ऑफलाइन कोर्सेज आर गोइंग टू बी देयर एंड इट्स गोइंग टू बी स्टुपेंडिफेंडेबली. जैसे मैं कहूँ कि पहले के जैसे एकदम रॉकिंग एनर्जी वाला एक बहुत अच्छा पावर पैक वर्कशॉप होने वाला है. वी हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर इट. सो इन दिसंबर यू आर गोइंग टू सी दैट. सो बट स्टिल माई वेन्यू इज नॉट बुक्ड. सो वंस द वेन्यू बुकिंग इज डन, वील डेफिनेटली गेट द ऑल द डिटेल्स फॉर ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड. प्रशांत, ओके, थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर विशिंग मी फॉर माई बर्थडे. थैंक यू सो मच. डिजिटल शबास, हाई, हेलो. सो क्विकली लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर अपडेट्स विच रिसेंटली हैव कम इन टू डिजिटल मार्केटिंग. आज इंस्टाग्राम में एक बहुत अच्छा नया लाइक अपडेट आया है जिसमें हम टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर की बात करते हैं. सो रील सेक्शन में जब हम रील्स बनाते हैं गाइज, आप अगर जो भी टेक्स्ट लिखते हो आप उसके अंदर ऑडियो अपने आप ऐड कर सकते हो, यानी जिसे हम वॉइस ओवर कहते हैं, वो टेक्स्ट टू स्पीच अपने आप अंदर इंस्टाग्राम ने फीचर दिया है. इट्स वर्किंग रियली वेल. मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो काफी सारा यू नो नॉन इंडियन टच है, बट ऑफकोर्स इट इज ऑटोमेटिक यू नो फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. सो इट हैज टू बी लाइक, आई मीन इट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट. सो दैट्स एब्सोल्यूटली फाइन, बट दैट फीचर इज रियली हेल्पिंग टू हैव मोर इंटरेक्शन, स्पेशली ऑडियोज जब सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं. आज पॉडकास्ट है और मे बी यू नो तो जब लिसनिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों के ध्यान में बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट्स के यूज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से कि जब भी आपकी कोई रील्स देखते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें टेक्स्ट पढ़ने से ज्यादा उसके जब टेक्स्ट टू स्पीच यानी उसको सुनते हैं तो वो तुरंत ही ग्रैप कर पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो. एंड कई बार किसी की रीडिंग स्पीड भी कम होती है तो वो नीचे रीड नहीं कर पाता है एंड रील ऐसे ही कंप्लीटली चली जाती है. बट इफ द टेक्स्ट टू स्पीच इज देयर देन पीपल हैव दिस लिसनिंग कैपेसिटी एंड दे एंजॉय लिसनिंग इट विद द क्लैरिटी. ऑलराइट, सो
दैट इज अ न्यू फीचर. आई होप आप सभी लोग इसको यूज करेंगे एंड आई एम गोना पुट इट माई रील ऑन दिस कि हाउ टू यूज दिस फीचर. सो डू चेक इट आउट दैट सून. एंड वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल रहेगा तो आप मेरे सिंपल स्टेप्स फॉलो करके उसको ईजिली आसानी से कर पाओगे. ओके सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट थिंग दैट वॉज ऑल अबाउट जस्ट इन इंस्टाग्राम वन मोर अपडेट. आई टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप ऑनलाइन एड्स में अगर कर रहे हो तो ऑनलाइन एड्स के लिए मैं बहुत अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ. सो गाइज डू स्टे ट्यून्ड एंड यू नो दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. ऑलराइट सो प्रवीण सिंह ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्किल्स. थैंक यू प्रवीण सिंह. ऑलराइट पिंक्स वॉन्ट्स टू जॉइन एंड वेन इट विल बी फाइनलाइज प्लीज लेट मी नो. 100% पिंक्स आई वुड डेफिनेटली लेट यू नो. आई वुड शेयर इट इन अ DM विथ यू. मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी एंड इवन मेरे सोशल मीडिया पे भी ऑफकोर्स डिटेल्स शेयर होने ही वाली है. सो दैट्स एब्सोल्यूटली गोइंग टू बी देयर. ओके सो प्रशांत इज टॉकिंग अबाउट आई जस्ट रीड द न्यूज दैट मेटा इज अ डिफरेंट कंपनी विच इज एक्वायर्ड बाई फेसबुक एंड अपेरेंटली मेटा हैज फाइल्ड अ लूज ओके okay file a lawsuit on Facebook. How far this information is true? So Prashant, I'm so sorry. I am not in position of commenting anything about this until and unless I don't have a solid authenticated sources ke through agar hame news nahi mile hai tab tak. So let's just avoid it. जो ऑथेंटिकेट सोर्सेज के थ्रू मार्क जुकरबर्ग के खुद के इंटरव्यू के थ्रू जो न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन है उतना मैं यहाँ से शेयर कर सकती हूँ एंड दैट इज व्हाट विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. सो या लेट्स मूव अहेड. हाय अंजलि. ऑलराइट सो लेट्स टॉक अबाउट इन बिटवीन जब तक आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते हो बिकॉज गाइज ओके आई वुड लव टू रिपीट दिस अगेन. दिस इज फ्राइडे विद फोरम जहां पे हर फ्राइडे हम ये टॉक शो करते हैं. दिस इज अ लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड. आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके और मे बी यू नो ऑनलाइन एड्स SEO ऑनलाइन सेलिंग आपके बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है उसके रिलेटेड. इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी कि आपका जो भी बिजनेस है उसकी आप ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए यू कैन डिस्कस विद मी राइट नाउ. सो दिस लाइव शो आई एम डूइंग इट फ्रॉम लाइक 50 वीक्स ऑलमोस्ट एक साल से मैं कंटिन्यूसली मेरे कमिटमेंट के साथ हर फ्राइडे 6 o'clock इससे लाइव करती हूँ एंड काफी सारे लोगों के साथ बात करती हूँ. आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुझसे नीचे बात कर सकते हो. सो नीचे इंस्टाग्राम में बटन होता है जहां पर आप मुझे वीडियो की रिक्वेस्ट भेज सकते हो. सो वी कैन यू नो डिस्कस ओवर द वीडियो कॉल एज इन लाइक लाइव वीडियो कॉल विद दिस मोर क्लैरिटी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज ये होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी सारे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो डू आस्क वैल्यूएबल क्वेश्चंस. आई थिंक आपके क्वेश्चन दूसरों के लिए भी काफी हेल्पफुल होते हैं. एंड या लेट्स मूव अहेड. इन बिटवीन वी ऑल्सो टॉक अबाउट लॉट ऑफ न्यू अपडेट्स विच आर देयर इन द यू नो सोशल मीडिया एंड न्यू एप्लीकेशन. हम उसके बारे में भी काफी बातें करते हैं. न्यू अपडेट्स न्यू फीचर्स न्यू टेक्टिक्स मे बी सम टिप्स एंड टेक्निक्स. So yeah, okay. Let's move ahead with the next question. Amazing Anupama, why are I losing Insta followers? Anupama, first of all, I feel really sorry that you are losing your Instagram followers. I totally understand कि हम followers gain करने के लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं. And you know, creating lot of content, keeping it updated, keeping it most interesting. So हम ये सारी चीजें करते हैं but when we lose the followers, we feel bad about it. And I totally understand. Okay, I have observed few reasons about it, and this is going to be like helpful for everyone, guys, जो हमारे साथ join हुए हैं. That हमें Instagram followers हमारे क्यों lose होते हैं, or maybe why do people unfollow us? सो मे बी वन ऑफ द रीजन इज कि जब फॉलो अनफॉलो कोई अगर गेम आपने अगर आपने सपोर्ट किया है तो उसमें ये काफी कॉमन पाया गया है कि अगर आपको कोई फॉलो इसीलिए कर रहा है कि ताकि आप उसे अनफॉलो करो सॉरी आप उसे रिवर्स फॉलो करो रिपीट में सामने बट अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो वो आपको अनफॉलो कर देता है. सो दैट इज फर्स्ट रीजन दैट कुड बी द फर्स्ट रीजन.
ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर अनटिल एंड अनलेस मैं आपके अकाउंट को डिटेल में स्टडी ना करूं, एनालिसिस चेक ना करूं, द रीजन या हिस्ट्री मुझे नहीं पता होगी अगर अकाउंट्स की कि कैसे ये फॉलोअर्स मिले हैं ज़्यादा, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्यूरेट कॉमेंट नहीं कर पा रही हूँ. बट फ्यू ऑफ द कॉमन रीजन्स जो हमने पाए हैं कि इंस्टाग्राम में लोगों के फॉलोअर्स क्यों कम हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं या अनफॉलो होते हैं, उसके मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ओके, सेकेंड रीजन कुड बी कि अगर आपने फॉलोअर्स कहीं से बाय या परचेज किए हैं. देखिए, वी ऑल नो दैट मार्केट में ऐसे कई सारे ऑफर्स एंड लोग कंटिन्यूसली आपको बस करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, 100 रुपीज में 1000 फॉलोअर्स, 500 रुपीज में मे बी यू नो 1 मिलियन फॉलोअर्स और समथिंग. नाउ दीज फॉलोअर्स आर मे बी अ फेक ऑटोबॉट्स. काफ़ी सारी टाइम ऐसे चीज होती है, या तो फिर देर इज सम मैकेनिज्म जिससे आपको टेम्पररी सिर्फ थोड़े फॉलोअर्स ज्यादा दिखते हैं, बट वापस वो ड्रॉप हो जाते हैं विद इन 2 days और 3 days. सो दिस इज समथिंग विच आई फील दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड. लाइक गेनिंग फॉलोअर्स के टाइम पे आपने क्या टेक्निक यूज की है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है. एंड लास्टली थर्ड, योर कॉन्टेंट. अगर आपके कॉन्टेंट में आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप कोई नई नई चीजें नहीं दे रहे हो, और मे बी आप एंटरटेनिंग या वैल्यूएबल चीजें नहीं दे रहे हो, पीपल आर गोना अनफॉलो यू. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनिंग कॉन्टेंट रखे, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल कॉन्टेंट रखे, एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. ओके, आई होप दैट इट वॉज इनफ फॉर यू एंड लेट्स मूव अहेड. सो येस, दिस इज माई इवनिंग कॉफी टाइम्स. आई एम जस्ट एंजॉइंग विद ऑल ऑफ यू. मुझे हर फ्राइडे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जब मैं बात करती हूँ और मेरी इवनिंग कॉफी एंजॉय करती हूँ. आई रियली फील सुपर एनर्जाइज एंड सुपर यू नो हैप्पी अबाउट दिस. ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके मैम, लिंक्डइन के ऊपर कंपनी का अकाउंट बेटर रहेगा या लिंक्डइन पेज बनाना बेटर रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन. डिजिटल शाबाज ने हमें ये क्वेश्चन पूछा है. सो नाउ लिंक्डइन, लेट्स टॉक अबाउट इट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लिंक्डइन के बारे में काफी लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब काफी कम यू नो अवेयरनेस है लोगों के माइंड में. एंड वी ऑल वॉन्ट्स के लिंक्डइन जैसे ग्रो कर रहा है, वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है. वी हैव बीन सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स ऑल्सो. सो आई वुड रियली लव टू टॉक अबाउट दिस. सो गाइज, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंक्डइन के ऊपर हमारे कंपनी का क्या कोई पेज जैसा होना चाहिए या कोई जो प्रोफाइल होती है, हमारा अकाउंट होते हैं, वही होना चाहिए. सो द आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल. हमारे कंपनी का पेज अलग से होना चाहिए. जितने भी प्रोफेशनल्स कंपनी में काम करते हैं उन सभी लोगों के लिए हमारे पास उनकी यू नो प्रोफाइल जो होती है, जो उनकी प्रोफाइल होती है, वो प्रोफाइल के उनके जितने भी डिटेल्स है उसमें हमारी कंपनी का जो पेज है उसके मेंशन करवाना चाहिए. ओके, जैसे कि एम्प्लॉयज वर्किंग एट वेयर, लाइक उनकी एम्प्लॉयज के सभी लोगों के केस में वहाँ पे अपलोडेड होना चाहिए दैट दे आर वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड, एंड वो ब्रांड पेज से ही बनता है. सो वी डेफिनेटली शुड हैव अ ब्रांड पेज फॉर द कंपनी एंड नॉट द अकाउंट. पीएस कूल डूड, ओके फॉरम यू स्किप माय क्वेश्चन बाय मिस्टेक, विल यू प्लीज स्क्रॉल इट अप एंड चेक इट आउट. ओह आई एम सो सॉरी, कैन यू प्लीज राइट इट डाउन अगेन, मे बी इफ आई हैव मिस्ड इट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस और मे बी लॉट ऑफ अकाउंट्स टू स्क्रॉल अप. It's a big, big, big. Still, I'm scrolling it for you. Okay, I'm so sorry. I'm not getting it very quickly right now. So, PS Cool Dude, I would request, can you please, you know, put your questions again. Digital Shabas, leads बहुत आते हैं LinkedIn पर 110%. काफी नीश, काफी यू नो मैं कहूंगी कि पावरफुल स्ट्रांग पीपल हैव यू नो एंजॉयड दिस थिंग.
सो या लीड्स काफी आते हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो बहुत सही बात है, बट डिपेंड करता है अगेन कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर टारगेट ऑडियंस इज फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, येस लिंक्डइन वुड वर्क रियली वेल फॉर यू. इफ योर टारगेट ऑडियंस इज समवन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, अगेन लिंक्डइन वुड बी रियली मॉडरेट टू यू. बट अगर आप एकदम कोई अलग ही जॉनर में हो तो लिंक्डइन वुड नॉट मच बी बेनिफिशियल फॉर यू. लेट्स मूव अहेड गाइज, हम आगे बात करते हैं. ओके रक्षा, फेसबुक ऑर्गेनिक एंगेजमेंट. रक्षा आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, बिकॉज फेसबुक ऑर्गेनिक एंगेजमेंट इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो आप मेरे वर्कशॉप में ज्वाइन कीजिए. वर्कशॉप में हम इसके सारे चीजें डिटेल में लेने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी 100% प्रैक्टिकल वर्कशॉप. यानी आपको टेबल लेके बैठना है एंड यू जस्ट यू नो हैव टू फील इट लाइक देयर. ऑल राइट, सो रक्षा का क्वेश्चन था कि मैम फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक एंगेजमेंट कैसे बढ़ाए. सो गाइज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एंड पेड. ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हमें बाय डिफॉल्ट या बाय नेचुरल जो चीजें मिल जाती हैं, एंड साइड पैकेजिंग और मे बी एनी अदर नॉन ऑर्गेनिक थिंग्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और पैकेजिंग इज समथिंग विच वी डोंट वॉन्ट टू प्रमोट इट मच. ऑलराइट, सो ऑर्गेनिक यू नो ऑर्गेनिक इज समथिंग जो हम यू नो बिना पैसे खर्च करते करते हैं. दैट्स इट, आई थिंक वो एक बहुत ईजी लैंग्वेज हो जाएगा रादर देन कंपेयरिंग इट विद एनीबडी और एनी वेस्ट और एनीथिंग. बट ऑर्गेनिक इज दिस एंड सो लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक ऑर्गेनिक एंगेजमेंट क्विकली. जितने भी लोगों के लिए फेसबुक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, वो नोट्स कर सकते हैं, वो टिप्स लिख सकते हैं, नोटपैड में ले सकते हैं, या तो फिर ये वीडियो को आप बाद में भी रिपीट मोड में सुन सकते हो. ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है. सो फेसबुक के लिए क्विकली टिप्स दे रही हूँ सभी लोगों के लिए, दैट यू कैन डेफिनेटली टेक अ नोट ऑन, नोट आप लिख सकते हो. फर्स्ट, फेसबुक में अपना पेज होना चाहिए कंपनी का. सेकेंड, पेज का सेटअप सही होना चाहिए. थर्ड, सेटअप इन द सेंस कि उसके ऊपर कॉल टू एक्शन बटन. ऑर्गेनिक सेटअप में अगर आप चैटबॉट ऑटोमेशन रख रहे हो, सो वो ग्रीटिंग्स एंड चैटबॉट ऑटोमेशन कंप्लीट सेटअप आपका सही होना चाहिए. हो सके तो आप अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम और मे बी फेसबुक पेज को किसी और यानी कि व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, एंड इट इज अ गुड थिंग टू डू दिस इंटीग्रिटी. आप इंटीग्रेशन करना अच्छी बात है. ओके थर्ड, आप फेसबुक में इवेंट्स का यूज कीजिए. इवेंट्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी इवेंट्स बना रहे हो आप उसको अपने बिजनेस पेज से क्रिएट कीजिए and you can definitely you know reach to the yeah I mean that is what you can do it. I mean that would help you to reach out to more people. All right, lastly facebook events ke sath sath facebook groups. देखिए फेसबुक में जो ग्रुप्स है ना वो बहुत ही नीच एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आप जो भी ग्रुप में ज्वाइंट हो रहे हो तो आप ग्रुप में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें क्या ग्रुप स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे हो, ग्रुप के स्पेसिफिक आप फेसबुक में कौन सी यू नो इवेंट्स या कौन सी चीजें ऑर्गेनाइज करते हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हमें. सो दैट इज देयर. एंड देन लास्टली ऑफकोर्स फेसबुक पेज के अंदर शॉप एंड रिटेल का ऑप्शन है, एंड ई कॉमर्स जितने भी लोकल स्टोर्स या वेंडर्स है जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है उनके लिए मार्केट प्लेस बहुत अच्छे ऑप्शन है. सो फेसबुक में आप फेसबुक शॉप्स, मार्केट प्लेस और ये सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए. आई वुड रादर ऑल्सो इंसिस्ट कि आप जब फेसबुक में और ऑर्गेनिक वे में कुछ करना चाहते हो तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो बाय पुटिंग इट यू नो रिलेवेंट हैशटैग्स. तो रिलेवेंट हैशटैग्स होने चाहिए, टैगिंग सही होना चाहिए, एंड या आई मीन दैट्स इट. ओके फेसबुक में इतना ही. ऑर्गेनिक मार्केटिंग को लेके मैं फेसबुक के लिए काफी एक्साइटेड मतलब यू नो हूं कि मैं इसके लिए एक डिटेल में भी टॉपिक ले सकती हूँ.
So we will have that. Like, I'm so sorry for the in-middle break, but it is needed for my, throat. Alright guys, so let's move ahead. जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वापस मैं quickly repeat करना चाहूंगी. This is Friday with Forum. हम हर Friday ये live talk show करते हैं जहाँ पे आप मुझसे अपने digital marketing, social media marketing को लेके कोई भी अगर आपके questions हैं तो उसको नीचे comment box में लिख सकते हो, और मे बी अगर आप hands wave करना चाहते हो वो कर सकते हो, और मे बी अगर आप at the end आप yeah, so you can put your questions there and I can definitely answer you. All right, so let's talk about last part of this. क्योंकि हमें 30 minutes का हमारा ये time frame होता है and हम हर फ्राइडे सिर्फ 30 minutes के लिए ही ये चीज़ करना dedication के साथ हम कर रहे हैं. So yes, okay, Rocky. ने हमें question पूछा है, ma'am, do you have any consulting services? Yes, Rocky, we do have consulting services. So let me explain कि हमारे major four variants of my business is what. First is my training programs and workshops. मेरे digital marketing के training programs and workshops मेरी first important thing है. Second, हमारे digital marketing के service based clients, जिसमें हम उनकी industry के top three से जो clients होते हैं उन्हीं के साथ work करते हैं, और हमें काफी मजा आता है कि this is what is happening. Alright, so then lastly I have a consultancy thing. Consultancy things में team आपकी रहती है digital marketing की, सारी चीजें आपकी, they just have to but get the information in and out from me. Alright, so that was just a last discussion for today. I hope I have not left out anybody's question, and I'm so sorry if I have done. Okay, so let's not alright guys, so let's not make it more delay, and we'll get back to you next week with another fresh episode of Friday with Forum, जिसमें हम काफी सारे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बातें करेंगे. अगर हम उसमें डिफरेंट इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे, एंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर देयर. सो एंजॉय योर वीकेंड एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर. रिमेंबर टू थिंग्स, हैशटैग गो डिजिटल विथ फोरम एंड हैशटैग टू ग्रो बिजनेस गो डिजिटल. Alright, so I'm on a mission of taking 1 lakh people digital, and I believe ki main thoda, right, so anyways, let's just talk next week more about it, and bye-bye, see you, take care.